नमस्कार, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर नीरज मील। स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर नीरज मील। पेश करता हूं प्रोटीन नाश्ता एट एम। जी हां दोस्तों, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स, प्याज चाहिए, 3 अंडे चाहिए होल एग, 1 टमाटर चाहिए, करीब 50 ग्राम आपको चाहिए सोया चंक। सबसे पहले सोया चंक के लिए पानी को बॉयल करते हैं। जब ये बॉयल हो जाए तो इसमें 1 चम्मच नमक डाल के और गैस बंद कर दीजिए और सोया चंक इसके अंदर डाल दीजिए। सोया चंक अंदर डाल के सारे सोया चंक आप अंदर डाल दीजिए और इसको एक बर्तन से या प्लेट से ढक कर करीब 5 से 7 मिनट के लिए रख दीजिए। 5 से 7 मिनट इसको ढक कर रख दीजिए। इतने में चलिए हम कोई दूसरा काम कर लेते हैं। दूसरा काम ये है कि प्याज काट लेते हैं। देखिए, प्याज आपको आसानी से काटने होते हैं दोस्तों। प्याज काटते वक्त आपकी कला जो है वो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपके पास जो नाइफ होता है वो नाइफ आपकी अंगुलियों के लिए घातक न हो, इस बात का भी आपको इल्म रखना है। छील लीजिए प्याज को, पील कर लीजिए। पील करने के बाद आपको 2 हिस्सों में देखिए इस तरह से आप काट लें। काटने के बाद आप इसमें से कुछ डंठल वगैरह है तो अलग निकाल के इस तरह से धीरे धीरे आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। और छोटे छोटे टुकड़े सारे प्याज के करने के बाद आप इसको एक कटोरी में रख सकते हैं। देखिए इस तरह से ये सारा प्याज लगभग कट चुका है। अब इसको मैं एक कटोरी में रख लेता हूँ। कटोरी में आप आराम से इसको डाल लीजिए। ले लीजिए, प्याज तैयार हो चुका है। दोस्तों इस रेसिपी में आपको करीबन 60 से 65 ग्राम के बीच प्रोटीन मिलेगा। लीजिए अब मैं इसमें प्याज के बाद टमाटर को काट लेता हूँ। और टमाटर को काटना भी बेहद आसान है, बशर्ते आप इसमें अच्छे तरीके से सावधानी से इसको काटें। तो दोस्तों अब मैं अंडों को फोड़ के इसमें से जो पदार्थ है वो एक कटोरी में डाल लेता हूँ। ध्यान रहे कि अंडे की जर्दी अंदर न पड़े। वैसे अंडे की जर्दी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए आप इसका ख्याल रखें। ये अंडे भी तैयार हैं और ये सोया चंक जिनको हमने बॉईल किया था और उनको उनका पानी निकालने के बाद निचोड़ कर तैयार हैं। प्याज तैयार है, टमाटर तैयार है। अब मैं एक फ्राई पैन लेता हूँ और फ्राई पैन लेता हूँ। फ्राई पैन के अंदर गैस के ऊपर रखता हूँ और थोड़ा सा इसमें घी डाल देता हूँ, देसी घी। दोस्तों कौन कहता है कि देसी घी से आपकी सेहत को नुकसान पहुँचता है, मैं इस बात को सिरे से दरकिनार करता हूँ। लेकिन निश्चित ही वो देसी घी आपके घर का बना हुआ होना चाहिए, शर्त बस इतनी ही है। तो लीजिए अब इसको मैं फ्राई पैन में चारों ओर डाल लेता हूँ। वैसे मैं करीबन 20 से 25 ml घी काम में ले रहा हूँ इसमें। आप चाहें तो इसकी मात्रा यानी कि क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जीरा डाल देता हूँ और फिर प्याज।
ये प्याज मैंने डाल दिए हैं और इसको रोस्ट करता हूँ हल्के सुनहरे यानी होने तक। एक मिनट में ये सारे प्याज सुनहरे हो जाएंगे हल्के। इसके बाद आप इसमें टमाटर डाल लें। टमाटर को भी आप 2 मिनट के लिए ज़रूर रोस्ट करें। दोस्तों ये जो रेसिपी है वो निश्चित ही आप ये नाश्ते का अंदाज बदल देगी। जी हाँ, आपके नाश्ते का अंदाज कुछ अलग होगा अगर आप इस नाश्ते को एट एम पर इसलिए क्योंकि इस वक्त लिया गया सोया चंक और प्रोटीन आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, जल्दी पाचन हो जाता है। लीजिए अब टमाटर और उसका पेस्ट तैयार है, तो मैं इसमें मसाला डाल देता हूँ। मसाले की अगर बात की जाए तो आप 2 छोटी चम्मच इस तरह की मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए 2 पिंच आप जो है गरम मसाला भी डाल सकते हैं और नहीं डालें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लीजिए मसाला रोस्ट हो चुका है, अब इसमें अगला इंग्रेडिएंट्स डालने की बारी है। दोस्तों ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत इजीली उपलब्ध हैं। सोया चंक इसमें डाल देता हूँ। सोया चंक डालने के बाद इसको रोस्ट कीजिए और इसमें आप थोड़ी सी जो है आपकी जो फ्रूट मसाला जो होता है वो आप उसमें डाल सकते हैं, से टेस्ट अच्छा रहेगा और सोया चंक में जान आ जाएगी। ये लगभग रोस्ट हो चुका है। अगर आप इसको ढककर रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पकाते वक्त, जैसा कि मैं बताऊं आपको कि मैं रोज सुबह यही नाश्ता करता हूं, तो ये नाश्ता अपने आप में परिपूर्ण है क्योंकि इसमें वो सारे न्यूट्रिशन हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होती है। इसके अलावा 65 ग्राम की तकरीबन हमें प्रोटीन मिल जाता है। लीजिए अब इसमें मैं एग डाल देता हूँ। एग इसको डाल के और अच्छे तरीके से इसको स्टेयर कर दीजिए, चारों ओर घुमा लीजिए ताकि जो एग्स हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएं सोया चंक के साथ और अच्छे से पक जाए। 3 एग यानी कि 3 whole egg आपको आपके शरीर के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, बशर्ते आप 1 किलोमीटर ग्राउंड रोड दौड़ लगाते हैं। क्योंकि ग्राउंड रोड पे अगर 1 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं तो 3 एग आपके शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं। कम से कम 1 किलोमीटर की दौड़ इसके लिए आवश्यक है। इससे ना आपकी फैट बढ़ेगी ना आपका पेट बढ़ेगा, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू जरूर बढ़ जाएगी। चलिए लगभग ये तैयार है। आप यहाँ भी थोड़ा सा जो फ्रूट मसाला है, चाट मसाला जिसको बोलते हैं, वो डाल सकते हैं अगर डालना चाहें। वैसे ये बहुत टेस्टी बनेगा यहीं पर। हाँ, इसमें आप 1 छोटा और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इस रेसिपी के रंग में निखार आएगा और आपको हल्दी के जो फायदे होंगे वो भी मिल जाएंगे। लीजिए लगभग तैयार है। मैं इसको थोड़ा और रोस्ट कर देता हूँ। रोस्ट करने के बाद इसकी सजावट होगी और करीबन इसको हमें 2-3 मिनट तक रोस्ट करते रहना है। 2-3 मिनट तक रोस्ट करने के बाद ये आपका तैयार हो जाएगा। ये लगभग ये खुशबू अच्छी आने लग गई है, तैयार हो चुका है। दोस्तों इसको लगातार रोस्ट करते रहना है और जैसे ही आप एक्सरसाइज करके ये नाश्ता करते हैं तो ये नाश्ता आपके पेट में
8 बजे का किया हुआ नाश्ता 10:30 या 11 बजे तक आसानी से पाचन हो जाता है और आपके शरीर को वो ताकत वो स्फूर्ति देता है जिसकी आपको जरूरत होती है। निश्चित ही ये अपने आप में एक अनूठा नाश्ता है, कलेवा है, ब्रेकफास्ट है, जो आप घर पे ही बना सकते हैं और खा सकते हैं। लीजिए, लगभग तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको रोस्ट करना छोड़ दिया है, इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद देखिए, मैंने बताया था कि यहाँ आप इसमें डाल सकते हैं जो चाट मसाला है वो, तो मैंने चाट मसाला इसमें ऊपर से डाला है। पहले भी बताया था, उस वक्त भी आप चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी आवश्यकता आपके स्वाद अनुसार है कि कितनी मात्रा आप रखें और कब इसको डालना है। जब जी चाहे तब आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि चाट मसाला एक ऐसा मसाला होता है जिसको रोस्ट करते हुए पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए चाट मसाला आप सबसे लास्ट में डाल सकते हैं। सबसे लास्ट में ही आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। लीजिए, मैं गैस बंद कर दी है और इसको एक बार थोड़ा सा और रोस्ट कर दिया। दोस्तों, ये है आज की रेसिपी, जिसको हम नाम दें तो ProtineX सबसे अच्छा नाम है। इसके लिए निश्चित ही अच्छा बनकर आपके लिए, आपके सामने, आपके खाने के लिए उपलब्ध रहेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपनी एक्सरसाइज के बाद आप इसको जरूर लें। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो भी आप इस रेसिपी को ले सकते हैं, और वो भी 65 ग्राम प्रोटीन अगर इतनी सी डाइट में आपको मिलती है तो निश्चित ही वो एक रिवोल्यूशनरी ब्रेकफास्ट है, और ये रिवोल्यूशनरी ब्रेकफास्ट आपके सामने आपके लिए तैयार है। लीजिए, अब इसको थोड़ा सा मैं सजावट के तौर पे सजाने के लिए रख देता हूँ। लीजिए, थोड़े प्याज इसको स्लाइस करके और रख दिए हैं, टमाटर भी रख सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा था मेरा ये आइडिया, ये रेसिपी, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपने दोस्त डॉक्टर नीरज मील को दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपसे मुखातिब जरूर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।